नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश दुनिया के साथ ही सागर भी इसका कहर भोग रहा है। बुधवार को सागर के 26 वर्षीय डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना के कहर से शापित हो गए। उन्होंने उपचार के दौरान भोपाल में दम तोड़ दिया। उनके इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपये सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले ही शुभम कोरोना का शिकार हो गए। शुभम के स्वास्थ्य को लेकर सागर में लोग न केवल धन जुटा रहे थे, बल्कि उनकी सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश में रह रहे निर्वासितों की रोशनी एक्ट के तहत यदि कश्मीर में जमीन हड़पी गई तो वे गृह मंत्रालय में आवेदन करें। मध्य प्रदेश सरकार जमीन वापस कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और इसको लेकर केंद्र सरकार से अपील करेगा। ये कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया एक विषाद है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर जैसे प्रदेश में अंधेरा फैलाया। स्वर्ग कहा जाता था, उसे नरक बनाने की एक नापाक कोशिश की। और इसलिए जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। राजधानी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो शहर में बेंगलुरु की तर्ज पर जल्द ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी खुल सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कान्हासैया में 50 एकड़ जमीन आरक्षित करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेज दिया है। यह प्रस्ताव नए नजूल व्यापर्दन नियम के तहत भेजा गया है। इसके लिए बकायदा 13 करोड़ रुपये का प्रीमियम और भूभाटक भी जमा करा दिया गया है। वहीं जमीन आवंटन के लिए 10,100 रुपये की राशि अलग से जमा भी करवा दी गई है। वेब GIS के माध्यम से यह कार्रवाई की जा रही है। अब इस प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी। दरअसल कन्हासैया में खसरा नंबर 40 और 51, जो कि सरकारी जमीन के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उस जमीन को यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में अफसरों के साथ बैठक की और कानून को सख्त करने की जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा रहा है। कानून में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। पहले यह सजा 5 साल प्रस्तावित थी। मिश्रा ने बताया कि यदि मर्जी से धर्म बदलना हो तो 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देने का प्रावधान किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सुबह बांधवगढ़ के जंगल में कुर्सी टेबल लगाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चिंतन मनन किया। मुख्यमंत्री उमरिया के प्रवास पर हैं। बांधवगढ़ से डगडुआ जाते समय ग्राम धमोखर में बैगा जनजाति के लोगों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को देर शाम बांधवगढ़ में वन और पर्यटन विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई थी, जिसमें वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने की रणनीति पर मनन किया गया था। बुधवार को दोपहर 3 बजे उमरिया में आयोजित जनजाति गौरव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कोरोना के चलते मार्च से बंद चल रही जबलपुर भोपाल इंटरसिटी और रीवा भोपाल के बीच संचालित रेवांचल एक्सप्रेस 1 दिसंबर से चालू हो जाएगी। जबलपुर रेल मंडल ने दोनों ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इससे जबलपुर से भोपाल जाने के लिए यात्रियों के पास 3 ट्रेनों का विकल्प होगा। अभी ओवरनाइट और सुबह जन शताब्दी का ही संचालन हो रहा है। जबलपुर में भोपाल जाने के लिए सुबह और रात को ही ट्रेनें हैं, दोपहर और शाम के वक्त नहीं थी। रेलवे ने इंटरसिटी का संचालन फिर से शुरू कर रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने वाले इंदौर देवास उज्जैन आगर और गरोट 4 लेन मार्ग के अवार्ड 20 दिसंबर तक पारित कर दिए जाएंगे। ये 4 लेन मार्ग 173 किलोमीटर है, जिसके बनने के बाद विकास के नए मार्ग खुलेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि भारत सरकार की 1 लाख करोड़ रुपये लागत की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का 244 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस मार्ग को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर Zone 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीते करीब 8 महीने से बंद मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज अब अगले महीने 1 दिसंबर से पुनः खुल जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। कॉलेज की कक्षाओं में प्रोफेसरों समेत विद्यार्थियों को भी उपस्थित होना होगा। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले 8 महीने से प्रदेश समेत देशभर के कॉलेज बंद हैं। अब कॉलेज खोलने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने ले लिया है।
प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर सिर उठा रहा है। ऐसे में लोगों ने सावधानी बरतना भी शुरू कर दी है। इस जानलेवा महामारी से बचाव को लेकर लोग मास्क लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देने वाली बातें भी कई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मास्क ही संक्रमण की वजह बन जाए। विशेषज्ञों की सलाह है कि मास्क का उपयोग भी दवा की तरह पूरी सावधानी से करने की जरूरत है। भोपाल के छाती और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन अग्रवाल ने कहा कि एक N95 मास्क को 5 बार से ज्यादा उपयोग ना करें। उपयोग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मास्क को एक दिन उपयोग करने के बाद एक लिफाफे में बंद कर उसमें तारीख लिख दें। इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से शनिवार रविवार को लॉकडाउन के असमंजस पर बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया में इस संबंध में चल रही खबरें असत्य और भ्रामक हैं। दूसरी ओर रात 11 बजे तक शराब दुकानों के खुले रहने के प्रशासन के निर्णय पर देपालपुर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने सवाल उठाए हैं। पटेल ने पूछा है, यदि रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, इसके बाद कोई व्यक्ति जो शराब दुकान पर शराब लेकर लौटेगा तो क्या उसे पुलिस बोतल या क्वार्टर दिखाने पर छोड़ देगी? शादी ब्याह 10 बजे बंद हो जाएंगे, 8 बजे सभी होटल्स बंद हो जाएगी, लेकिन शराब की दुकानें रात 11 बजे तक चालू रहेगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ समस्त सरकार के नुमाइंदों से कि क्या रात को 11 बजे तक अगर शराब की दुकानें आप खोलेंगे और 10 बजे आप कर्फ्यू लागू कर देंगे तो उस कर्फ्यू में एक घंटे का पास क्या क्वार्टर रहेगा या एक बॉटल रहेगी? हर एक व्यक्ति अगर कोई निकलता है घर से या बाहर से कोई शादी अटेंड करने के बाद निकलता है और उसके बाद अगर पुलिस उसे रोकती है कि कर्फ्यू के अंदर कहाँ जा रहे हो तो क्या उसको एक क्वार्टर या एक बॉटल उसको दिखाना पड़ेगी? मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सत्र में जन समस्याओं और विकास के मुद्दों पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। गोविंद सिंह के मुताबिक कोरोना संकट, किसान समस्या और बेरोजगारी समस्या पर चर्चा होनी है और सत्र को छोटा कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी चुटकी ली है। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव होने में अभी 3 साल का समय बाकी है। अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन चुनाव का टेंशन अभी से विधायकों पर मंडराने लगा है। 28 विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित रहे नतीजे विधायकों की टेंशन का बड़ा कारण बन गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही मौजूदा विधायकों ने अपनी सीट को बचाने के लिए अभी से विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि सीट को कोई दूसरा भेद न पाए। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डालकर वोटरों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। विधायकों को अब अपने क्षेत्र की समस्याएं भी नजर आने लगी हैं। बांग्लादेश में अगवा कर इंदौर लाई गई युवतियों को नशे के लिए MD ड्रग्स उपलब्ध करवाने वाले सेक्स रैकेट के कुख्यात सरगना सैंडो उर्फ सागर जैन को विजयनगर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस उसे पूछताछ के लिए कंट्रोल रूम ले गई। बदमाश इंदौर में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल संचालित करता था और इसी पर वह कुख्यात भी था। जब बांग्लादेशी लड़कियों को रिहा करवाया तो बदमाश का नाम सामने आया, पुलिस उसे पकड़ती, इसके पहले वह भाग गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात झा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी का देहावसान हो जाने पर महाराष्ट्र स्थित गोंदिया गृह निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया उपस्थित रहे। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश फिल्म की शूटिंग के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। सारे बड़े फिल्म मेकर्स और स्टार्स मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल में इन दिनों हुमा कुरैशी सलामतपुर के आरामबाग में महारानी फिल्म की शूटिंग कर रही है। वहीं नुसरत भरूचा पिपरिया में हॉरर फिल्म छोरी की शूटिंग में व्यस्त है। कोरोना काल के बाद अच्छी खबर यह है कि भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग लोकेशन पर नए साल में लगभग 22 प्रोजेक्ट की शूटिंग होनी है। इसका मुख्य कारण मार्च 2020 से टूरिज्म बोर्ड की फिल्म पॉलिसी आने के बाद फिल्म मेकर्स को सब्सिडी मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।